हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका माय ई क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बोल्ट के बारे में थोड़ी डीपली जानकारी लेंगे, बोल्ट के स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे। जैसे बोल्ट के सामने लिखे ये नंबर M12 × 1.5 × 40 का क्या मतलब होता है, बोल्ट के अंदर बोल्ट की पिच, पिच डेप्थ और बोल्ट का डाया क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे सामने आप ये बोल्ट देख रहे हैं और मैंने आपके लिए एक चार्ट भी तैयार किया है। मैं आपको पहले इस बोल्ट पे बताता हूँ कि देखिए हम बात कर रहे हैं मीट्रिक बोल्ट स्पेसिफिकेशन की। और देखिए, व्हाट इज़ M12 × 1.5 × 40। तो मैं आपको बताता हूँ M12 का मतलब क्या है। देखिए, M का मतलब है मीट्रिक, अब 12 का मतलब है डाया, यानी कि बोल्ट का डाया। अब बोल्ट का डाया हम कहाँ से पता करते हैं। देखिए, मेरे हाथ में ये जो बोल्ट देख रहे हैं ना, इसका ये जो एंड पॉइंट है बोल्ट का, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो है बोल्ट का डाया। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है वो है बोल्ट का डाया, ठीक है। ये M12 उसी को ही शो कर रहा है। जैसे मेरे सामने काफ़ी सारे बोल्ट रखे हैं, मैं इस बोल्ट की बात करूँ तो इस बोल्ट का डाया मेरे को पता करना हो तो मैं क्या करूँगा, M12 लिखा है, ये M12 का बोल्ट है या नहीं मेरे को भी नहीं पता है। तो देखिए, अब M का मतलब मैंने आपको बताया मीट्रिक, 12 का मतलब डाया। अब इस बोल्ट का हम डाया सबसे पहले चेक कर लेते हैं। देखिए, मेरे पास है वर्नियर और स्केल। पहले मैं आपको वर्नियर से बताता हूँ कि कितना है इसका डाया। ये देखिए मेरा ये वर्नियर, इसको मैं कर लेता हूँ 0। अब ये देखिए, देखिए दोस्तों, इसका डाया आ गया 8 mm, ठीक है। इसका डाया कितना आ गया, 8, यानी कि यह बोल्ट M8 का है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। इसको हम लिख सकते हैं M8 × अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है 1.5। अब 1.5 क्या है दोस्तों, 1.5 है इसका पिच का गैप। अब देखिए, पिच का गैप मैं आपको यहाँ पे बोल्ट पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए समझने के लिए, इसलिए मैंने आपके सामने चार्ट तैयार किया है। ये देखिए, एक बोल्ट आप देख रहे हैं मीट्रिक साइज़ का, ये इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक थ्रेड है और ये थ्रेड को मैंने यहाँ पर अलग कर लिया है और मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार से काम करता है। देखिए, पहले आप इस बोल्ट को देखिए, ठीक है, आप पहले इस बोल्ट को देखिए और फिर इसकी पिच को देखिए। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है, एक थ्रेड से लेके दूसरी थ्रेड तक की दूरी होती है वो होती है पिच। देखिए, यहाँ से यहाँ पर बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो है पिच। और पिच डेप्थ क्या है, क्या होता है पिच डेप्थ, होता है कि ये कितनी जो पिच है वो कितनी गहराई तक कटी हुई है, ठीक है, वो पिच कितनी गहराई तक कटी हुई है। तो अभी हमको क्या देखना, अभी हमको देखना 1.5। अब 1.5 क्या है, 1.5 है यहाँ से लेके इस एंगल से लेके इस एंड तक की जो दूरी है वो है 1.5, ठीक है। यानी कि पिच की जो दूरियाँ हैं वो है 1.5, इन सभी पिच की दूरी 1.5 है। जैसे ये बोल्ट आप देख रहे हैं, इसकी जो पिच है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो है 1.5 और 1.5 1.5 1.5 1.5, इसी प्रकार चलता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको समझने की कोशिश की ना, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है वो है 1.5, इसलिए यहाँ लिखा है आपका M12 × 1.5, यानी कि M12 का ये बोल्ट का डाया हो गया और इसकी पिच हो गई है 1.5। ये कौन सी पिच, इसकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी, जिसमें आपकी थ्रेड कटी हुई है, जिसमें आपकी चूड़ियाँ कटी हुई हैं, उसकी जो दूरियाँ हैं चूड़ियाँ की, उस थ्रेड की जो दूरियाँ हैं वो है 1.5, ठीक है। यहाँ आ गया 1.5, ठीक है। अब हम बात करते हैं 40 की। ये 40 क्या है, 40 है दोस्तों बोल्ट की लंबाई। अब बोल्ट की लंबाई हम कहाँ से चेक करते हैं, देखिए जैसे ये बोल्ट है, इसकी लंबाई हमको चेक करना होगा तो हम कहाँ से चेक करेंगे। आप कहेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो बोल्ट की लंबाई है, वो नहीं, बोल्ट की लंबाई वो नहीं है। बोल्ट की लंबाई है दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो है बोल्ट की लंबाई। तो बोल्ट की लंबाई भी हम ऐसे ही लेते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ पिच एंगल क्या होता है। देखिए, अब इसका थ्रेड एंगल कितना है, थ्रेड एंगल देखिए यहाँ से चेक करते हैं दोस्तों। ये जो देख रहे हैं ना, ये जो इसमें जो ये कोण बन रहा है, ये जो इसमें कोण बन रहा है, इसको
हम बोलते हैं थ्रेड का एंगल। थ्रेड का एंगल कितने डिग्री का है? देखिए जो एमएम साइज के बोल्ट होते हैं उनका होता है 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री, ठीक उनका 60 डिग्री ये एमएम साइज के बोल्ट हैं और इसका थ्रेड एंगल है 60 डिग्री, और जो इन साइज के बोल्ट होते हैं उसका थ्रेड एंगल होता है 55 डिग्री, ठीक है 55। ये जो है एमएम साइज का बोल्ट है, यहाँ मैंने लिखा भी एमएम साइज थ्रेड है, तो इसका जो है 60, इसका जो है 60 डिग्री का थ्रेड एंगल होता है। जैसे यहाँ से लेके ये जो थ्रेड एंगल देख रहे हैं ये है थ्रेड एंगल, ठीक है। अब आपको थ्रेड एंगल समझ में आ गया और आपको पिच डेप्थ भी समझ में आ गया। डेप्थ देखिए पिच का क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपको क्लियर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए यहाँ इसका टॉप पॉइंट है और यहाँ इसका बॉटम पॉइंट है, यहाँ इसका थ्रेड का टॉप पॉइंट है और यहाँ है इसका बॉटम पॉइंट, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी दूरी है वो है पिच डेप्थ, इसकी पिच डेप्थ कितनी होती है, ठीक है ये आपको आगे पिच समझ में। अब मैं आपको बता दूँ बोल्ट का एक बार, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ अच्छे से। ये देखिए बोल्ट की लेंथ मैंने आपको बताया यहाँ से लेके यहाँ तक लेते हैं, थ्रेड आपको समझ में आएगा, डायामीटर मैंने आपको बता ही दिया है, और ये है बोल्ट का हेड, ठीक है। अब इन जो ये आपने मेरे साथ हाथ में बोल्ट देखे था, ये बोल्ट के हेड को क्या हेड बोला जाता है, इस बोल्ट के हेड को कौन सा हेड बोला जाता है? इस बोल्ट के हेड को बोला जाता है दोस्तों हेक्स हेड, यानी कि हेक्सागोनल हेड या फिर हेक्स बोल्ट, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको अब समझ में आ गई या ही क्या होगा कि M12 इंटू 1.5 इंटू 40 का क्या मतलब होता है। अब आप बोल्ट का स्पेसिफिकेशन भी निकाल सकते हैं। ये था मिट्री बोल्ट स्पेसिफिकेशन का पूरा थ्योरी कि किस प्रकार से इसको निकाला जाता है, मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 90% से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को कंटिन्यू देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।